पहुंच गए अब हिंगोस्टार नॉर्थ। यस यूनिवर्सिटी कैसी है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त मेरे बैचलर्स के हैं, वीरेन डोबरिया, अर्णव राजपूत और महावीर गुर्जर जो कैमरे के पीछे है। रामन हमारा यहाँ पे नया दोस्त बना है। तो फिलहाल डोबरिया यहाँ पे इंग्लिश कोर्स में है और ये बाकी तीन जर्मन कोर्स में। और मैं यहाँ पे मास्टर इन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता हूँ, जो कि एक इंग्लिश कोर्स है। और जब मैं यहाँ पे आया सितंबर 2019 में, तब लाइक मेरिट बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, लाइक 1.7 के बाद आपको एडमिशन्स मिलना बहुत ही मुश्किल था। पर आजकल आपको इजीली एडमिशन मिल सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। जर्मन कोर्स का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, क्या एडमिशन के हैं वो सब बताइए। ये तो था कि जो इंडिया में पढ़ते हैं बच्चे उन लोगों के लिए, जो इंडिया में नहीं पढ़ पाए हैं और यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जर्मन टॉट होता है। तो वैसे देखा जाए तो हॉक्सुले इंगोल्सडॉट टेक्निश हॉक्सुले इंगोल्सडॉट में लीनियंसी मिलती है जर्मन टॉट के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं वो C1 या फिर DSSY ये सब मांगते हैं। यहाँ पे आपको बेस वाई यानी B2 पे मिल जाता है, जो एक थोड़ी सी कम डिफिकल्ट लेकिन डिफिकल्ट है। एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छा है, अच्छा आपको है। अगर जर्मन टॉट में पढ़ना है तो आप यहाँ पे B2 पे एडमिशन ले सकते हैं। गोएथे का B2 यहाँ पे वैलिड है, बिना DSS2 के बिना भी हो जाएगा, DSS1 पे भी हो जाएगा। और हमारा कोर्स है ऑटोमेटिक फॉरन, मतलब उन फार्सिंग मतलब ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड व्हीकल सेफ्टी। तो जो हॉक्सुले इंगोल्सडॉट है, जैसे सीनियर हमारे ये बता ही सकते हैं कि इंगोल्सडॉट एक ऑडी स्टार्ट है, मतलब ऑडी सिटी है, यहाँ पे ऑडी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब है। और उसी के साथ साथ हॉक्सुले इंगोल्सडॉट भी इस फील्ड में बहुत आगे है, मतलब जर्मनी का एक लीडिंग रिसर्च जो यूनिवर्सिटी है उसमें से एक हॉक्सुले इंगोल्सडॉट आती है। आप पीछे साइड पर देख ही सकते हैं, तो ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैब है जहाँ पे सिमुलेशन रहता है इसमें। तो ये यहाँ पे सारी ऑटोनोमस ड्राइविंग, व्हीकल सेफ्टी, क्रैश टेस्टिंग की सिमुलेशन हो पाती है। जो इसके पीछे वाली बिल्डिंग है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड जोन है स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वहाँ की वीडियो शायद ही मिल पाएगी। वो करिश्मा जोन है, वहाँ पे क्रैश टेस्टिंग और जो भी व्हीकल से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ पर होती है। और उनकी एक सबसे बड़ी जो यहाँ की USP है THI की, वो USP ये है कि जो इन्होंने ऑटोनोमस ड्राइविंग कार बनाई है उसको परमिशन मिल गई है पब्लिक प्लेसेस में टेस्टिंग करने की, जो मेरे ख्याल से जर्मनी में आई थिंक केवल 4 या 5 ही होगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो भी इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश डॉट के लिए भी और जर्मन डॉट के लिए भी। तो अगर आप ऑटोनोमस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो इंगोल्सडॉट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हमने बताया ये ऑडी का हब है, यहाँ पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और क्रैशिंग का भी जैसे इन्होंने बताया क्या करिश्मा नाम, हाँ करिश्मा। तो ये पूरी रिसर्च लैब है, एक्चुअली रिसर्च लैब है जिसका THI, BMW, ऑडी सबके साथ टाइप है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे जिनको भी इस फील्ड में करना है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट और बाकी सारे कोर्सेज भी हैं, पर इनके एक USP जो है वो मैं कहूँगा कि ऑटोनोमस में और इन सब में है टेक्निकल कोर्स में। तो वीरेन यहाँ पे एकोमोडेशन का क्या सीन है, मतलब कैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए? यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें कि 2 क्रिश्चियन मिशनरीज के है और है और एक जो मेन यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है उसे कहते हैं स्टूडेंट एंडवर्क लंगन एंड न्यूरेम्बर्ग।
वो तीन टाउन के लिए ध्यान रखता है, जैसे कि एरलांगन, न्यूरनबर्ग जैसे नाम में ये, और तीसरा है इंगोलस्टाट। तो इसके यहाँ पे तीन अलग अलग हॉस्टल्स है, और उसके लिए बेटर है कि आप पहले से ही अप्लाई कर दें जब आप इंडिया से आ रहे तभी। एकोमोडेशन का यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो आप पहले से इंडिया से सेफ साइड अप्लाई करें और बी श्योर हो जाए आपका, अभी आइए यहाँ पे। और प्राइवेट का क्या सीन है? और प्राइवेट के लिए भी दो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनी अपार्ट और स्टूडी अपार्ट करके, और उसके रेंट कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 550 और 600 यूरोस पर मंथ। इंगोलस्टाट में रेंट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि जितने मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं सबने बताया, तो थोड़ा एकोमोडेशन आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, बट सिटी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, आपको जॉब्स के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और जो भी इसने अभी एकोमोडेशन का बताया मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी सब मिल जाएगा, तो बी प्रिपेयर एकोमोडेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है, पार्ट टाइम फुल टाइम, और जो भी इंडिया से आ रहा है उनको मतलब क्या स्किल्स चाहिए, क्या प्री रिक्वेस्ट, वो सब जाएंगे उसके बारे में। ज़्यादातर यहाँ पे सारे कोर्सेज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के हैं, तो इस वजह से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग साथ ही हो, जैसे पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस, और उसके साथ में अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स का ज्ञान है तो आपके लिए ईजी है स्टार्टिंग में। लाइक सेकेंड सेमेस्टर से भी चांसेस होते हैं कि आपको वर्क स्टूडेंट और प्रैक्टिकल मिल जाए, पर इफ़ इन केस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप यहाँ पे, जैसे कि करिश्मा है तो करिश्मा में आप प्रोफेसर से अप्रोच करके आप कोई ना कोई छोटा मोटा रोल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हीवी या और कुछ, और उससे भी आपका स्किल सेट डेवलप हो सकता है। उसके बाद प्रोफेसर इजीली दे देते हैं? हाँ, वो इजी है, उसमें इतना लाइक स्ट्रेस नहीं होता, लाइक इट्स इजी, लाइक आपको सिर्फ बताना होता है प्रोफेसर को कि लाइक मुझे ये सीखना है या उनका जो रिसर्च एरिया है वो सीखना है ज़्यादा, तो आपको मिल सकता है। बस आपको एक सिंपल सा मेल लिखना होता है उन्हें, और काफ़ी स्टूडेंट्स को जिनको पहले से पता रहता है वो इंडिया से आने से पहले ही मेल कर देते कि लाइक मैंने बैचलर में ये पढ़ाई कर रखी है और मास्टर मेरा इसमें है, तो मुझे ये वाले फील्ड में इंटरेस्ट है। तो जैसे कि अपने हम लोग साथ में मैकेनिकल पढ़े थे बैचलर्स में, और यहाँ पे तुमने लिया है ऑटोमोटिव का कोर्स, क्या क्या डिफिकल्टीज आई तेरे को, और क्या क्या मतलब तूने ऑलरेडी स्किल्स वहाँ से सीख क्या है उस इस मास्टर कोर्स के लिए? इनिशियली जैसे देखे कि यहाँ पे पूरी दुनिया में आपने पाया होगा कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका कोर्स आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए पर्सनली फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स लाइक क्रॉस डोमेन थे कम्पेयर टू मैकेनिकल। लाइक इंडिया में हम मैकेनिकल में पूरा टेक्निकल जो मैकेनिक्स है वो सीखते हैं, जबकि यहाँ पे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के कोर्स में आप सिग्नल प्रोसेसिंग, सेंसर डेटा फ्यूजन, AI, ML और उनके सारे एप्लीकेशन सीखते हैं, तो वो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे गौर करने की चीज़ है। ये इंग्लिश कोर्स में है तो इतनी डिफिकल्टीज है, यही चीज़ अगर आप जर्मन में कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल डबल होगा उसका, ये फॉर श्योर है। ओके, बट हो जाता है वैसे, इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको सेमेस्टर्स एक्सटेंशंस मिलते हैं, टेक्निकल टर्म्स बहुत हैवी रहते हैं, वो जर्मन कोर्स में थोड़ा इशू तो आएगा, बट हाँ मेहनत भी उतनी लगेगी वो है, पर एट द एंड आपको रिवॉर्ड्स भी है, क्योंकि इंगोलस्टाट एक ऐसा टाउन है जो एक्सपेंड हो रहा है, और अभी यहाँ पे सारे ऑडी के जो सर्विस पार्टनर्स कंपनीज है वो काफ़ी सारी अवेलेबिलिटीज है, जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है तब तक मैं कह सकता हूँ लाइक 35 कंपनी तो ऐसी है कि जो डायरेक्ट आपको एसोसिएशन देती है विथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, और जो काम करती है ऑडी के लिए, और हर महीने लाइक नई नई कंपनीज स्टार्ट होती रहती है, काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। यहाँ पे जॉब फेयर्स भी लगते हैं, आती हैं जॉब फेयर्स? हाँ जी, साल में एक बार होता है, कॉन्टैक्ट मैसेज जिसे कहते हैं, वो इसी जगह पे होता है एग्जैक्टली आप जहाँ पे खड़े, और सारी कंपनियाँ आती है, अभी लाइक लास्ट मंथ ही हुआ था, और उसमें हर दिन अप्रॉक्स 33 कंपनीज आई थी। जॉब फेयर में आप डायरेक्टली कंपनी से बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, आपका लक अच्छा हुआ तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ ना कुछ मिल भी सकता है, बट उसके लिए लक चाहिए और स्किल्स भी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे फुल टाइम का मतलब कैसा है, मतलब जितने यूनिवर्सिटीज यहाँ से निकले हैं अभी तक सबको जॉब्स मिले ऑलमोस्ट? कह सकते हैं कि लाइक जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं इनमें जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक यहाँ पे इवन जर्मनी में आने के बाद भले ही आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, बट एटलीस्ट आपके पास वर्क स्टूडेंट या प्रैक्टिकम या सिमिलर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके परमानेंट जॉब फाइंड करने के लिए बहुत इजी और हेल्प भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था वर्क स्टूडेंट एक कंपनी में,
और उसके बाद मुझे वहाँ पे थीसिस अलॉट हो गए और अभी वहाँ पे फुल टाइम की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो ये सिस्टम जर्मनी में काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। तो दोस्तों अभी तक जो बताया है सब इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के बारे में था, तो अब हम थोड़ा जर्मन डॉट के बारे में जानते हैं। तो अमन, आप कौन से कोर्स में हैं और आपको जर्मन डॉट में कितनी डिफ़िकल्टीज आई उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा एक जर्मन डॉट कोर्स है, तो उसका नाम है ऑटोमोटिव्स फॉरन फायर एक्सरसाइज, जिसका मतलब है ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड व्हीकल सेफ्टी। तो अब इस कोर्स, ये जर्मन डॉट कोर्स है, तो एक सबसे बड़ा बैरियर जो आता है वो आता है अपना लैंग्वेज बैरियर। तो ऑफकोर्स एक लैंग्वेज बैरियर है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर आप जर्मन डॉट कोर्स करते हैं तो एक आपको एडवांटेज है, जैसे जॉब एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, आपको सोशल लाइफ में इंक्लूड होने का बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आप जर्मन से इंटरेक्ट कर सकते हैं और जॉब में बहुत एडवांटेज होते हैं। और आपको शायद जॉब थोड़ा इजीली मिल जाएगा अगर लैंग्वेज होगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी जॉब कर रहा हूँ तो वो लोग जर्मन ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंग्लिश के कंपेयर, जल्दी वो लोग यूज, मतलब आपसे जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा तो रहता है। पर हाँ, चैलेंज भी साथ साथ है, और चैलेंज बड़ा है क्योंकि एक नई लैंग्वेज है और नई लैंग्वेज के लिए बोलनी नहीं आपको, उसमें टेक्निकल एक्चुअली बात सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं पर आपको उसमें टेक्निकल में सीखना भी है, बोलना भी, लिखना भी, समझना भी है। और केवल जर्मन डॉट लोग ये समझते हैं कि जर्मन में सीख रहे हैं, पर एग्ज़ाम भी आपको जर्मन लैंग्वेज में देंगे, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क तो है। मेरे को 5 साल होने वाला है जर्मनी में, अभी तक मेरे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियसली आएंगे। तो अभी तक का आपका जैसा सफ़र रहा, कैसे टैकल किया, क्या क्या डिफिकल्ट, ओवरवेलमिंग जरूर है, मैं कहूँगा ओवरवेलमिंग जरूर है, पर इट टेक्स टाइम, बट आप कर सकते हैं। मतलब लैंग्वेज एक ऐसी है, आप जितना बोलोगे तो आप उतनी ईजिली आप कैचअप कर सकते हो, और जितनी डे टू डे लाइफ में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो तो उतना आपके लिए बेटर है। तो फर्स्ट मंथ बहुत ओवरवेलमिंग था कि समझ नहीं आता था, या फिर एक हद तक ही समझ में आता था, तो वो टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन हाँ टाइम के साथ आप उसको सीख जाते हो कि आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है। जैसे जर्मनी में पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है, सब कुछ अलग है, बहुत अलग है। तो कैसा लगा आपको जर्मन में पढ़ के, वो कैसा, एक नया केवल केवल एक लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, एक बैरियर सबसे बड़ा है कि कैसे पढ़ना है, वो एक बहुत बैरियर है। इंडिया की पढ़ाई बहुत अलग तरीके से होती है, जर्मनी की पढ़ाई बहुत अलग तरीके से होती है। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे एज सच है ऑटोनोमस, लेकिन कोई कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स या कोर टेक्निकल ब्रांच नहीं है। कि जैसे मेरा जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन मेरा कोर्स पूरा कार्स के बारे में, ऑटोनोमस के बारे में, लेकिन सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटीग्रेटेड है, तो क्रॉस ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, तो वो एक आप उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने सुना इंग्लोस्टार्ट बहुत ज़्यादा फेमस है ऑटोनोमस के लिए, तो इसके अलावा इसमें और कौन से कोर्सेज हैं? हाँ, सिर्फ ऑटोनोमस के ही है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो ज़रूर ऑटोनोमस के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, और मटेरियल साइंस के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑटोनोमस के कोर्सेज हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो आप इनके कोर्स के बारे में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देख सकते हैं, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, और यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा नाम है, और हमारे यहाँ दोस्त ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है बैचलर्स के बारे में, हम थोड़ा बैचलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मास्टर्स का बहुत हो गया। तो बैचलर्स का सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैचलर्स इंडिया में करने का फ़ायदा है यहाँ जाऊँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? वैसे तो मैं भी मास्टर स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से हैं, जिनसे मेरी बात भी हुई है, दोस्त भी हैं कुछ जो जॉब पे मिले। अब ये क्वेश्चन जहाँ तक है तो ये डिपेंड, इंडिविजुअल डिपेंड, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी, सबकी अपनी चॉइसेस होती है। हाँ, बैचलर अगर यहाँ पे आप करते तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको बैचलर में जो कोर्स यहाँ पे मिलते हैं, जो स्टडी का मॉड्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही अप टू डेट मिलते हैं, करंट मिलते हैं आपको इंडिया से थोड़ा ज़्यादा। इंडिया में जो ऑफ कोर्स बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, पर यहाँ पर आपको हर कॉलेज में एक करंट सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो मिलेगा। और जैसे कि ये हॉकशूल है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो अगर किसी को बैचलर करना है यहाँ पर, तो आई थिंक कि हॉकशूल इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको एक प्रैक्टिकल वर्क के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है, और थ्योरी सब्जेक्ट भी साथ साथ में आपके करते आते हैं, पर यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो पर्सनली अगर इंग्लिश स्टार्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बैचलर्स का क्या सीन है,
इंगोल स्टार्ट में बैचलर कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं और जर्मन में अवेलेबल है। जनरली इंग्लिश कोर्सेज कम होते हैं जर्मनी में बैचलर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी एक वैरायटी मिलेगी, अलग अलग स्ट्रीम्स में मिलेगी, आप अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रीम, टेक्निकल स्ट्रीम, हर स्ट्रीम में आप देख सकते हैं। तो बैचलर के लिए आपको अगर करना है तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंगोल स्टार्ट का आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जैसा कि बताया हमने, ऑटोनोमस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। दोस्तों ये था इंगोल स्टार्ट के बारे में, आज हम लोग इंगोल स्टार्ट में है। यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे पूरी, मैंने विज़िट की मेरे दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो यहाँ पे। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो मैं मेरे इन फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ इसके रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो हमारे उसके भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारे पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं तो आप उसके लिए भी मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में यूट्यूब पर मुझे बता सकते हैं। और कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए इंगोल स्टार्ट की नहीं पूरे जर्मनी की, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। See you guys.